बात है इसका वापस आई घूम करके। देखो ये लेवल मैंने सेम लिया है, ये लेवल सेम है। एक चीज और हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं, सेम लेवल सेम स्पीड वापस है। जब इस लेवल पर, जब ये असेंडिंग टाइम पर जब बॉल ऊपर जा रही थी उस टाइम जो स्पीड यहाँ थी, वापस आते टाइम भी वो स्पीड वहीं उस पॉइंट पर वही सेम स्पीड होगी, बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। वी टू इन अपवर्ड डायरेक्शन, वी टू इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस लेवल पर जब आती है बॉल वापस, तो उसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी। इस पर जब वापस ग्राउंड को हिट करती है, अगेन u, द सेम स्पीड इट हिट्स द ग्राउंड, यहाँ पर स्पीड 0 है। तो हम एक तरीके इन केस ऑफ, यहाँ पर एक तरीके चीज कंक्लूड कर लेते हैं, जो जो पॉसिबल चीजें हैं सारी मैं बताता चलता हूँ, है ना। ग्राफ भी साथ साथ प्लॉट कर लेंगे लास्ट में। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और फ्री फॉल तो है ही यहाँ पर, जो फ्री फॉल जो मोशन है ना हमारा, ग्रेविटी जो अपवर्ड मोशन होता है, डाउनवर्ड बॉल आती है, ये सब जो मोशन है ना, ये इनमें एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू जी के इक्वल है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये जो मोशन है हमारा फ्री फॉल जो मोशन होता है, ये मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और फ्री फॉल, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट ए पोजिशन, किसी पोजिशन, एट एनी पोजिशन ऐसे लिख देते हैं, एट एनी पोजिशन इज सेम व्हेन इट असेंट्स और डिसेंट्स, चाहे नीचे आए या ऊपर जाए, इसकी स्पीड सेम रहेगी ना, स्पीड सेम रहेगी। स्पीड लिखा है मैंने, वेलोसिटी नहीं लिखा है, बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी। इसी और यहाँ पर होती है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ कहा था, पर द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। इसी और ये तो हम स्पीड के बारे में कंक्लूड किया हम लोगों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस में सेम लेवल पर सेम स्पीड होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग टाइम। और ये हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग से मतलब तो हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है, एक बॉडी जाए और वापस आए, है ना। इट इज ऑल्सो ट्रू, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर की बात हो रही है, ऐसा हवा में हॉरिजॉन्टल नहीं, ग्राउंड के ऊपर। तो ग्राउंड के ऊपर भी अगर तुम्हारा कोई मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, तो यहाँ से चला ए पॉइंट पर, यहाँ पहुंचा बी पॉइंट पर, यहाँ पर वेलोसिटी सपोज तुमने दी थी यू, फिर यहाँ पर वी वन हो गई, यहाँ वी टू हो गई, और यहाँ फाइनली जीरो हो गई, फिर बॉल वापस आएगी, बॉल वापस आएगी तो जीरो, यहाँ पर वापस आती है बॉल, तो उसकी वेलोसिटी फिर वी टू, इस पॉइंट पर वापस आई तो फिर वी वन, और यहाँ पर जहां से स्टार्ट हुई वापस आई तो यू। तो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एक्चुअली, चाहे वो मोशन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हो या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, मोशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर हम लिखते हैं इसी इसी के बारे में, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू, छोटे छोटे पॉइंट है जो तुम्हें काम आएंगे क्वेश्चन करते टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट, जितना टाइम से ऊपर जाने में लगता है ना उतने टाइम में वापस आएगी बोल। ऊपर जाने का टाइम अगर टी है, ऊपर जाने का टाइम अगर टी है, कैपिटल टी मान लेते हैं, तो नीचे आने का टाइम भी टी है, ये भी टी है, ये ऊपर जाने का टाइम टी और नीचे आने का टाइम भी टी, दोनों सेम। ऐसे ही यहाँ पर हम लिखें, बॉल इधर जा रही है,
तो टाइम सपोज टी प्राइम है, ये जाने का टाइम टी प्राइम, तो वापस आने का टाइम भी टी प्राइम है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की अगर बात करें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अब ये दो चीजें हमें बतानी थी इसके अंदर, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि हमारा ग्राफ भी उसी का प्लॉट कर रहा था। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसके कौन कौन से ग्राफ हैं। सबसे पहले हम लोग एस टी प्लॉट करते हैं, इसी इसी केस का ग्राफ, फर्स्ट इज एस टी। पार्टिकल को थ्रो किया गया, तो यहाँ से इसकी ये जो पोजिशन है ना, यहाँ पर हम मानते हैं कि यहाँ पर पोजिशन इसकी जीरो है, मतलब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि अभी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बॉल ऊपर जाएगी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा, बॉल ऊपर जाएगी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा, बॉल नीचे आएगी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा, और जो यहाँ से चला था वापस बॉल वहीं पर आएगी, मतलब एक बार डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा और वापस डिक्रीज करके वापस जीरो वहीं पर आ जाएगी, है ना। तो एस टी ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे, एस टी तो पहले तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म ये जो ऊपर मोशन बॉल जा रही है, बॉल का मोशन जो है वो रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन है ना। पैस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर इक्वेशन लगेगी, उसमें ए नेगेटिव होगा, उसमें नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज नेगेटिव, तो ग्राफ विल बेंड टुवर्ड्स अ डबल पावर नॉट टुवर्ड्स अ सिंगल पावर, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, हम लोगों को पता है कि इस तरह ग्राफ। और ये जब मैक्सिमम जब इसकी वेलोसिटी जीरो होती तो लाइन पैरेलल हो जाती है, मैंने कुछ बताया था कि जब ये लाइन पैरेलल हो गई मतलब ये अब मैक्सिमम हाइट पर है, इसको लिखते हैं एस मैक्सिमम लिख देते हैं, मैक्सिमम हाइट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम इस पॉइंट पर। और फिर बॉल क्या करती है, बॉल फिर करती है नीचे की तरफ वापस आती है, बॉल नीचे की तरफ बॉल वापस आएगी। अब जब बॉल वापस आएगी तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ से फिर से लगेगा, इस बार यू तो वापस आने के लिए यू जो इनिशियल वेलोसिटी है इस पॉइंट की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे और वो जीरो है, तो हाफ ए टी स्क्वायर बॉल नीचे आएगी, हाफ ए टी स्क्वायर बॉल नीचे आएगी हाफ ए टी स्क्वायर, और टाइम इंक्रीज करेगा, टाइम तो इंक्रीज ही करेगा, टाइम तो हमेशा बढ़ता ही ऊपर जाएगा, तो टाइम कुछ हो गया फिर और फर्दर इंक्रीज करेगा, टाइम तो इंक्रीज ही करेगा, ग्राफ इधर जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो डिक्रीज करेगा, डिस्प्लेसमेंट जो जीरो हो जाएगा, जीरो वापस वहीं आएगी ना बॉल घूम फिर करके, तो वापस जीरो जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ जो है जीरो डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब टाइम के ऊपर ग्राफ वापस आके मिल जाए, ग्राफ जो है वो टाइम के ऊपर आके वापस मिल जाए। तो यहाँ से ग्राफ को इस लाइन के ऊपर पहुँचाना है, तो वही बात है कि ऐसी कोई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लाइन तो जा नहीं सकती, इस तरह से तो जाएगा नहीं, इस तरह से तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो ग्राफ या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, हाफ ए टी स्क्वायर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ इसका इस तरह से बन जाएगा, ये इसको यहाँ टच कर देगा, ये बॉल वापस वहीं आ गई जहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, बॉल जहाँ से स्टार्ट हुई थी वापस वहीं, डिस्प्लेसमेंट अगेन जीरो। ये जितना टाइम जाने का है ना, मान लो ये टी टाइम है तो आने का टाइम भी उतना ही है, ये टी टाइम आने का, ये टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम है, ये लेवल है इसके अलग अलग, ये पोजिशन देखो, इस पोजिशन पर बॉल दो बार आती है, इस पोजिशन पर बॉल दो बार आती है, हर जगह दो दो बार आती है, वो जाते टाइम और आते टाइम, इस पॉइंट पर एक बार आती है बस, मैक्सिमम हाइट पर एक बार होती है वो, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी वी वन इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर वी टू इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर वी टू सेम, और ये भी पर डायरेक्शन रिवर्स, अगर ये वी वन वेलोसिटी है तो ये भी वी वन है और ये वी टू है, ये वी टू है तो ये वी टू है, और फिर इस लेवल पर सेम वेलोसिटी, ये वी वन है, सेम लेवल सेम वेलोसिटी, ठीक है। ये एस टी ग्राफ था, उसके बाद वी टी ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसी का वी टी ग्राफ, इसी केस का वी टी ग्राफ, टाइम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। अब तुमने बॉल को थ्रो किया है ना, तो टाइम जीरो पर वेलोसिटी जीरो नहीं, थ्रो कर रहे हो तुम, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, तो टाइम जीरो पर कुछ वेलोसिटी, तो ग्राफ यहां से आ जाता है, ये है यू, यू मतलब ये है इनिशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से उसको थ्रो किया गया,
इनिशियल होगा उसका। जी जी वो इस वेलोसिटी को थ्रो किया यू, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी ना, बॉल जब ऊपर जाती है, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, फाइनली जीरो हो जाएगी। टाइम इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी इधर आएगी, टाइम इधर जाएगा, मतलब तो ग्राफ इधर भी जाना चाहिए और नीचे भी आना चाहिए। वी टी ग्राफ अगर बनाना चाहते हैं, वी की इक्वेशन लिखें तो वी कोस टू यू प्लस ए टी, वी कोस टू यू प्लस ए टी, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ग्राफ इधर भी जाए नीचे जाए और इधर भी जाए तो ग्राफ एक ही बन सकता है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और ये मैक्सिमम हाइट पर है, ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पर बोलते हैं ये रेस्ट है, रेस्ट है, और हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट, अब वहां जाके रुक गया ये, अब क्या होगा, अब वापस चलेगा, अब जब ये वापस चलेगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, पहले वेलोसिटी इस टाइम तक मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने तक इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन थी, अपवर्ड थी ना, वेलोसिटी डायरेक्शन थी अपवर्ड, और जब ये रुकने के बाद हमने इसको ऑब्जर्व किया तो इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, अब इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, अब से वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी बट इन रिवर्स डायरेक्शन, टाइम बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ये जीरो वेलोसिटी इस लाइन के ऊपर है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी मतलब वेलोसिटी इधर जाएगी, इधर जाएगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, तो ग्राफ इधर आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन, ग्राफ इधर जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करते जाएगी, ग्राफ इधर जाना चाहिए, इतना टाइम तो हो चुका है, इतना टाइम तो पहले ही हो चुका है, अब टाइम और बढ़ेगा, टाइम बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ग्राफ वेलोसिटी इधर इंक्रीज करेगी, टाइम इधर इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इधर इंक्रीज, टाइम इधर इंक्रीज, वेलोसिटी डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन हो गई है, और वी इक्वल्स यू प्लस ए टी, अभी भी इक्वेशन सेम है, टाइम इधर बढ़ना चाहिए, वेलोसिटी इधर बढ़नी चाहिए, तो ग्राफ ये आता है, और जितनी वेलोसिटी है ना जो ग्राउंड पर पहुंचेगा, जो ग्राउंड पर पहुंचेगा तो जितना इंटरसेप्ट है ना वो ग्राउंड पर पहुंचने का उतना ही ये भी इंटरसेप्ट है, ये भी सेम है, हम क्या लिखेंगे यू, यू की जगह क्या लिख देंगे इसको माइनस यू, माइनस यू मतलब मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन रिवर्स हो गई, ये माइनस यू है, माइनस यू, और ये जहां से फेंका था ना यहाँ पर वेलोसिटी इसकी यू है इस टाइम, और हम लिखते हैं कि फाइनली बैक टू ग्राउंड, ग्राउंड पर वापस आ गई है बॉल, हमने कहा था कि एक वीएस बना लेना, वीएस वीएस ग्राफ क्या बनेगा, अब तुमने इसको थ्रो किया है विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, तो जहां से थ्रो कर रहे हैं वहां पर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ले रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट मैंने कहा था जीरो लेंगे, यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है पर यहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब इस लाइन के ऊपर, और वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, देख लेते हैं ये यू है तुम्हारी, ये यू है, ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा, ग्राफ इधर जाएगा, ऊपर जाएगी बोल, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, मान लेते हैं ये मैक्सिमम हाइट है, वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी, जीरो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो ग्राफ इधर जाना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करना चाहिए, वेलोसिटी डिक्रीज करनी चाहिए, मतलब ग्राफ इधर भी जाएगा, ग्राफ नीचे भी आएगा, ग्राफ यहाँ पर है वेलोसिटी, तो ग्राफ इधर जाना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, इधर जाना चाहिए, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, तो ग्राफ यहाँ से इस तरह जाएगा, स्ट्रेट लाइन जा नहीं सकती क्योंकि वी एस इक्वेशन हमें पता है, वी एस इक्वेशन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू एस, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म रिटार्ड मोशन लोगों ने बनाया होगा इसका ग्राफ, ये ग्राफ इस तरह से बनाया था लोगों ने, बॉल यहाँ पहुंच गई, इसको बोलते हैं ये क्या है, कहाँ पर पहुंच गई, ये मैक्सिमम हाइट पर है, मैक्सिमम हाइट,
वेलोसिटी कितनी है, जीरो, जीरो वेलोसिटी है। इस एक्सिस पर वापस आएगी तो वेलोसिटी जीरो होगी। अब क्या होगा, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब ग्राफ अब नीचे की तरफ जाएगा, इधर जाएगा ग्राफ। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो, बॉल जहां से चली थी वापस बॉल वहीं पहुंचेगी, तो डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर जाएगा। तो पहले ग्राफ ऐसे आया, यहाँ से यहाँ तक आया, अब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा तो बॉल इधर जाएगी, मतलब ग्राफ इधर जाएगा, और वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो, बट इन रिवर्स डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इधर जानी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इधर जाना चाहिए, वेलोसिटी इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, ग्राफ के बीचों बीच आएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियस है कि लाइन तो नहीं आएगी, तो ग्राफ कुछ ऐसे आता है, तो यहाँ पर आता है ना, तो फिर से जीरो हो गया। हम लिखते हैं बैक टू ग्राउंड, ग्राउंड पर आ गई वापस, डिस्प्लेसमेंट फिर से जीरो हो गया। वेलोसिटी, वेलोसिटी उतनी ही है जितनी यहाँ थी, ये अगर प्लस यू थी तुम्हारी तो फिर ये माइनस यू है, वेलोसिटी उतनी है। ये इसका ग्राफ है ना, एक एटी ग्राफ, वो छोटा सा बनता है एटी ग्राफ, मैं यहीं बना देता हूँ, सिंपल ग्राफ है ये तो, वैसे भी एटी ग्राफ। एटी ग्राफ ये कुछ बच्चों का गलत हो सकता है, एक बार देखना ध्यान से इसको। हम कह रहे हैं कि बॉल ऊपर जा रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव, हम ये कह रहे हैं बॉल ऊपर जा रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव, बॉल ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता जा रहा है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, देख रहे हो तुम, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जब बॉल जाती है तो डिस्प्लेसमेंट हम पॉजिटिव लेते हैं। हमने ऑटोमेटिकली, हमने शायद साइन कन्वेंशन को यूज ना किया हो, है ना, पर हम बाय डिफॉल्ट इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम लोग खुद से यूज कर लेते हैं, और पता नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, और डाउनवर्ड का हमने मतलब नेगेटिव। जब भी बॉल वापस आने लगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुई तो हमने वेलोसिटी को रिवर्स कर दिया, नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे, इसका मतलब ये होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे हम लोग, अपवर्ड में वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे। डाउनवर्ड, अब अपवर्ड वेलोसिटी इस सेगमेंट में तो पॉजिटिव रखी है, अपर बॉल नीचे आने लगी तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। इसमें अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इस अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट जब बॉल ऊपर जाती तो पॉजिटिव है, और जब बॉल नीचे आएगी तो फिर डिस्प्लेसमेंट तब भी, यहाँ से देखते हैं तो अब भी पॉजिटिव ही है, तो ऊपर की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट, जब इससे नीचे जाएगा ना बॉल तो नेगेटिव होगा। तो हमने अपवर्ड पॉजिटिवली हुआ हमारे अकॉर्डिंग, और डाउनवर्ड नेगेटिव। तो हमारा एक्सेलरेशन जो है ना, दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट जी, बट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब माइनस जी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये जी है, तो ये प्लस जी वैल्यू है और ये माइनस जी वैल्यू है। तो बॉल ऊपर जाती है, जब बॉल ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दैट इज जी। जब बॉल नीचे वापस आती है तो भी डाउनवर्ड है, मतलब ऊपर जाते टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है माइनस जी, और नीचे आए तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अब भी सेम, अब भी सेम। तो ये तो मान लेते हैं हम लोग, क्या सोचो, नहीं टाइम टी बाई टू कर देते हैं, ये टी टाइम, ये टाइम टी है टाइम ऑफ एसेंट, और ये टाइम भी टी है टाइम ऑफ डिसेंट। एक्सेलरेशन का ग्राफ की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, डायरेक्शन जो है वो हमेशा एक ही रहती है एक्सेलरेशन की, दैट इज डाउनवर्ड, तो हम लोगों ने उसको माइनस जी प्लॉट किया है ना। हाँ तुम ये कर सकते थे, ये कर सकते थे कि हमारा अपवर्ड जो है वो नेगेटिव है और डाउनवर्ड पॉजिटिव है, तो फिर यही ग्राफ, अगर तुम्हारा साइन कन्वेंशन ये रहता ना कि यही ग्राफ इसी क्वेश्चन का ग्राफ प्लस जी पर प्लॉट होता है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो जाता, तो अभी ये है, ठीक है ना। डायरेक्शन चेंज नहीं होती एक्सेलरेशन की, तुम करेंगे भी नहीं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद था कि एक बॉल को ड्रॉप किया फ्रॉम सम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ग्राउंड है, तो यहाँ पर तुम्हारा रेफरेंस यहाँ पर लिया हुआ है, ये जीरो जीरो पॉइंट मानते हैं हम लोग, इसकी हाइट ऑलरेडी कुछ है, इस हाइट इज एच फ्रॉम ग्राउंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, तो हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं तो एच हाइट है, मतलब एच तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव, साइन कन्वेंशन। बॉल नीचे आएगी, बॉल नीचे आती है, सेम लेवल पर सेम वेलोसिटी होगी, ग्राउंड को हिट करेगी और फिर घूम करके वापस, और सेम हाइट पर पहुंच जाती है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर हम तो आइडियल केस दे रहे हैं।
स्टैटिस्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर हम लोग आइडियल केस डिस्कस करते हैं। तो बॉल नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है, सेम लेवल सेम वेलोसिटी, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, दोनों की स्पीड सेम होगी, सेम स्पीड नॉट वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑपोजिट। और जब ये वापस यहाँ पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी फिर से कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी, जीरो। एसटी ग्राफ प्लॉट करते हैं, एसटी ग्राफ पहले तो मोशन जो एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करता हुआ पार्टिकल नीचे आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो एस की तरफ बेंड होता है ये इस तरह से। कर देते हैं यहाँ से लेते हैं एक बार कि हाइट यहाँ पर, यहाँ से जो है रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है, एस इक्वल टू जीरो, हम ये मान लेते हैं एस इक्वल टू जीरो है यहाँ से, जैसे नीचे जा रहे हैं तो हाइट इंक्रीज कर रही है, हाइट इंक्रीज कर रही है, हाइट हाइट को हम पॉजिटिव ले रहे हैं इस साइड, तो डाउनवर्ड में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो उसको साइन कन्वेंशन रिवर्स कर लो, ये डाउनवर्ड पॉजिटिव है हमारा, अपवर्ड नेगेटिव है, तो ग्राफ साइज क्वाड्रेंट में बन जाएगा। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, जैसे से नीचे जाएगा ना, जैसे से नीचे जाएगा तो हाइट जो है इंक्रीज करती जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर पहुँचेगा तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस हाइट, तो बोलते हैं ये है ग्राउंड पर, अब ये ग्राउंड पर पहुँचे, ग्राउंड पर पहुंच गया। अब ग्राउंड के बाद क्या होगा, अब ये यहाँ से रिबाउंस करेगा, वापस आएगा, तो इसका इस पॉइंट से देख रहे हैं, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो इस पॉइंट की तरफ देखें तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, और जैसे आगे जाएगा तो टाइम तो बढ़ेगा और डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा, तो ग्राफ नीचे आएगा और इधर जाएगा, अल्टीमेटली ग्राफ ये बनेगा। और फाइनली रेफरेंस पॉइंट हमें लेना होता कोई ना कोई, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट इज एट हाइट एच, बी डी ग्राफ, ए डी ए वी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो, टाइम जीरो पर वेलोसिटी, जो मोशन स्टार्ट हुआ टाइम जीरो पर वेलोसिटी जीरो, जब वो ग्राउंड पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, कुछ टाइम के बाद वो ग्राउंड पर पहुंचते हैं, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, वेलोसिटी ई यू जीरो है, वी इक्वल्स टू ए टी, यू जीरो है तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी भी बढ़ेगी ग्राउंड पर पहुंचते पहुंचते, तो ग्राउंड पर होगा तो उसकी वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ग्राउंड पर होगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये वेलोसिटी मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कोई वेलोसिटी नहीं होगी, ये वी मैक्सिमम। जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करता है ना, जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करता है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी, क्योंकि हमने कहा कि सेम हाइट पर जाता है, तो सेम हाइट पर जाने का मतलब जिस वेलोसिटी उसने हिट किया, मान लो उसने हिट किया वी मैक्सिमम से, तो सेम हाइट पर जाने के लिए इसको रिबाउंस करना पड़ेगा विद द सेम स्पीड वी मैक्स विद नेगेटिव साइन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ये वेलोसिटी वी मैक्स है तो ये नेगेटिव साइन के साथ वी मैक्स अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसकी वेलोसिटी जब ग्राउंड को हिट किया तो ये ग्राउंड पर है, ये ग्राउंड पर पहुंच गया, ये ग्राउंड पर पहुंच गया, ग्राउंड और जैसे ग्राउंड को हिट किया उसकी वेलोसिटी क्या, स्पीड तो सेम है, स्पीड तो सेम है वी मैक्सिमम की, वी मैक्सिमम ही रही और डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, मतलब जितना ये वी मैक्सिमम दिखाई देता ना ये सेगमेंट, उतना ही वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव में चली गई, यहाँ पर आ गई ये माइनस वी मैक्स। हिट करते ही ग्राउंड को हिट करते ही, ग्राउंड को हिट करते ही वेलोसिटी ये हो गई, ग्राफ यहाँ से आ गया। अब टाइम यहाँ पर जैसे हिट किया, अगर वेलोसिटी एकदम से 10 से माइनस 10 हो गई हिट करते ही, उसके बाद टाइम बढ़ेगा और वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी फाइनली जीरो हो जाएगी, तो ग्राफ टाइम इधर जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी टुवर्ड्स जीरो, तो इधर जाएगा ग्राफ और इधर जाएगा, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ से, और ये लिख देते हैं इसको अगेन एट सेम लेवल और वेलोसिटी फिर से जीरो, ये वीटी ग्राफ था। सर अगर हम इसमें अपवर्ड पॉजिटिव ले तो वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब इसका उल्टा, अपवर्ड पॉजिटिव ले तो, यस सर वीटी के लिए, यस सर
देखो ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट लिया मैंने, ये रेफरेंस पॉइंट था, रेफरेंस पॉइंट के लिए मैंने ये मान लिया ये रेफरेंस है, ये ग्राफ प्लॉट कर दिया ठीक है, डाउनवर्ड अपवर्ड पॉजिटिव है ना, डाउनवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव। अब ये जब बॉल बॉल नीचे जा रही है ना, बॉल नीचे जा रही है, बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, डाउनवर्ड पॉजिटिव है, अपवर्ड के लिए क्या करेंगे, अब वीटी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ना, इफ अपवर्ड इज पॉजिटिव, अपवर्ड इज पॉजिटिव, अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव। अब स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी जीरो है, ग्राफ यहाँ पर है, ग्राफ यहाँ पर है, टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी किधर बढ़ेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड में वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी इधर बढ़ेगी, टाइम इधर बढ़ेगा, तो ग्राफ ये जाएगा। और देखने में थोड़ा और लगता है और कुछ नहीं है, मतलब ज्यादा मतलब नहीं होता इनका पॉजिटिव नेगेटिव साइन। अब वो जो ग्राफ यहाँ बना था वो पॉजिटिव वेलोसिटी अपवर्ड थी, डाउनवर्ड थी तो इधर ले ली, अब डाउनवर्ड वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो इधर आ गई, वी नेगेटिव नीचे हो गया, अब ये वी पॉजिटिव है ये वी नेगेटिव, ठीक है ना। अब उसके बाद जैसे इसने हिट किया, जैसे इसने हिट किया तो वेलोसिटी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, अपवर्ड हो गई, अपवर्ड पॉजिटिव, और जितनी वेलोसिटी ये है, जितनी भी वेलोसिटी ये है उतनी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में चली गई, ये वेलोसिटी ग्राफ एकदम से इसी सेम मोमेंट पर, सेम मोमेंट पर ग्राफ यहाँ पहुंच गया। उसके बाद वेलोसिटी डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड ही रहती है, मतलब वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा, मतलब वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मतलब इसी में रहेगी, इसी क्वाड्रेंट में रहेगी, टाइम आगे बढ़ेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, नीचे की तरफ आएगा, फाइनली जीरो रहेगी, यहाँ से ग्राफ टाइम इधर जाएगा, वेलोसिटी इधर जाएगी, ग्राफ तो ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसका होता है 80, इसलिए 80 से पहले VS प्लॉट कर लेते हैं, VS ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, ये वेलोसिटी है, हाइट से ड्रॉप किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, पैराबोला ही बनेगा। इनिशियली वेलोसिटी क्या है, इनिशियली वेलोसिटी जीरो है, इनिशियली वेलोसिटी जीरो है, और हाइट उस पॉइंट पर हमने के लिए जीरो लिए, हाइट इस पॉइंट पर, हाइट को हमने जीरो माने ना, हाइट यहाँ पर जीरो मानी है, वेलोसिटी इस पॉइंट पर जीरो है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड पॉजिटिव है, तो मतलब वी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, सिंगल पावर की तरफ बेंड होगा, तो ग्राफ ऐसे जाएगा सिंगल पावर की, उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे ग्राउंड को हिट करेगा, जैसे ग्राउंड को हिट करेगा, ग्राफ यहाँ से आ गया, जैसे ग्राउंड को हिट किया तो वेलोसिटी जितनी भी थी इसकी उतनी ही स्पीड तो उतनी ही होगी, बट डायरेक्शन रिवर्स, जितना ही सेगमेंट है उतना ही सेगमेंट रिवर्स में चला जाएगा, तो यहाँ से ग्राफ एकदम से यहाँ पहुंच गया इस पॉइंट पर, अब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, जीरो को टेंड करेगी, ऊपर जा रही है बोल, तो जीरो को टेंड करेगी, ग्राफ इधर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वापस डिक्रीज होगा, डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंच गई बोल, अब डिस्प्लेस जैसे ऊपर जाएगी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा, बोल वापस ऊपर जाएगी, बोल वापस ऊपर जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी इस पॉइंट पर है हम लोग, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी इधर और डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा इधर, तो ग्राफ इधर भी जाना चाहिए और इधर भी, वापस वहीं पहुंच जाता है, वापस वहीं पहुंच जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो होगा और वेलोसिटी वापस जीरो होगी, मतलब ग्राफ वापस यहीं जाएगा, तो यहाँ से ग्राफ, मतलब ये ऐसे नहीं है कि ऐसे घूम रहे, यहाँ से ग्राफ ऐसे प्लॉट हुए, ए से सपोज ये ओ है, ओ से ए पर गया ग्राफ, और ए से फिर बी पर आता है, बी से फिर वापस होगा, थोड़ा अजीब लगता है देखने में ना, पर
मतलब मैं इसलिए मैक्सिमम एक्सपोजर देने की कोशिश करता हूँ, जितने पॉसिबल ग्राफ तुम सोच सकते हो ना उतने पॉसिबल ग्राफ में करवा देता हूँ। अब बाकी देखो सिचुएशन कोई कुछ भी क्रिएट कर सकता है कि ऐसा मोशन हो वैसा हुआ, तो उतने ही मतलब इन जनरल जो केसेस तुम सोच सकते हो सारे हो जाते हैं, उसका तुम्हारी प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। 80 पर आते हैं, लास्ट है 80, और 80 तुम्हें पता है कि एज यूजुअल की 80 जो सिंपल सा ग्राफ है तो जल्दी ही प्लॉट हो जाता है। इस बार हम लोगों ने क्या किया हुआ है इसके लिए ना, ये तो एक स्पेशल केस लिया था हमने, इसको मैं अलग से मार्क कर देता हूँ। वीटी ग्राफ है, डाउनवर्ड को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया हुआ है, मतलब चाहे बॉल नीचे आए या बॉल ऊपर जाए एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा। एक्सेलरेशन अगर हमेशा डाउनवर्ड रहेगा तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो मतलब क्या हुआ कि बॉल ऊपर जाए या नीचे आए टाइम तो हमेशा इंक्रीज ही करेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स है प्लस जी। तो मान लेते हैं ये जाने का टाइम कितने टाइम में, तो बॉल नीचे आ गई उसके बाद वो वापस गई तो भी ये, तो ये टाइम टी मतलब टाइम आने का और ये जाने का वापस, ठीक है ना। तो ये एटी ग्राफ में डायरेक्शन चेंज मत करना, लगता है ऐसा कि बॉल एक बार नीचे आ रही है तो ऊपर जा रही है, ए की वैल्यू प्लस जी आधे टाइम के लिए प्लस जी आधे टाइम के लिए माइनस, ऐसा मत करना। साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं तो गलतियां भी कर देते हो, तो गलतियां कम से कम उसके लिए प्रैक्टिस ही एक तरीका है ना। तो ये जो दो क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो होमवर्क में, वो सब क्वेश्चंस में काफ़ी बच्चों ने अच्छा ट्राई किया, आंसर भी किए है ना, सही भी थे, एक आध हो सकता है गलत हो, तुम लोगों ने चेक कर लिया होगा क्या गलत था क्या सही था। कुछ बच्चों ने कल वो कंप्लीट भी कर ली ना, अरिहंत का जो मैंने 70 क्वेश्चंस अराउंड टेकिंग इट टुगेदर था वो कंप्लीट हो गया, तो डाउट आए होंगे। अब 15-20 मिनट और हैं, 15 मिनट तो कम से कम है ही, 7:45 हुए हैं, तो तुम चाहो तो डाउट डिस्कस कर लो, कल मैं तुम्हारे सिलेबस को आगे बढ़ाऊंगा एक बार, फिर उसके बाद एक दिन डाउट मिलेगा। कल मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी तो 15 मिनट में 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, अभी कुछ क्वेश्चन बोल दो और उसके बाद कल मैं थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ा के और मोस्ट प्रोबली परसों तुम्हारे डाउट रखूंगा, परसों तुम्हारे डाउट रखूंगा, ठीक है। तुमको लग रहा है कि टाइम कम पड़ सकता है तो हो सकता है तुम्हारी संडे को या किसी दिन इवनिंग में एक डाउट क्लास एक्स्ट्रा रख दूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि संडे तक ना ये संडे से पहले पहले मैं ये वन डायमेंशन खत्म कर दूँ और मेरे 3-4 दिन जो टू डायमेंशन के बच जाएँ, मैं ही चाहता था। तो कल सैटरडे है, कल रिलेटिव मोशन मतलब लास्ट क्लास ये कल है ना, तो 1D कल खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है वो कंप्लीट 2D मोशन के लिए कम ही पड़ जाता है कुछ ना कुछ। तो एक बार हम हो सकता है कि एक आध क्लास इस वीक में तुम्हारी एक्स्ट्रा लें या संडे तुम्हारा ऑफ ना रहे, ठीक है ना। तो ऐसा करो तुम क्वेश्चन बोल दो, एक दो क्वेश्चन बोल दो ताकि हम आगे कर बढ़ा पाएं, आज के डाउट तो एक दो क्वेश्चन डाउट कर लेते हैं, कल बढ़ाएंगे फिर आगे। सर चेकपॉइंट 3.4 में एंड, हां जी स्टेटमेंट बोल दो, स्टेटमेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड। लिख देता हूं ना, एक मिनट, चेकपॉइंट 3.4 हो गया, क्वेश्चन नंबर और बता दो ना, क्वेश्चन नंबर यहीं लिख देता हूं तुम देख लेना खुद से। 10, हां जी अब बोलिए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन S is equal to 6 plus 12t minus 2t square. हाँ जी। Here S is in meter and t is in second. हाँ जी। The distance covered by the particle in first 5 seconds. Distance or displacement? Distance and displacement. ये क्वेश्चन मैं चाहता ही था तुम लोग मुझसे पूछो, है ना। तो चलो अच्छा हुआ तुम लोगों ने पूछ लिया, ऐसे जब कोई इक्वेशन दी हुई हो ना तो डिस्प्लेसमेंट, ये जो इक्वेशन दी हुई ना डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, तुम इसमें एस की टी की वैल्यू 5 पुट कर दोगे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मैं दोनों चीज कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तुम्हें पता करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल्स टू 5। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डॉट डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो डिस्प्लेसमेंट, मैं डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, वो तो सिंपल सा है, उसको मैं S5 मार्क करूंगा, S5 भैया हमारा डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स, इज 6 प्लस 12 इंटू 5 माइनस 2 इंटू
फाइव स्क्वायर सिक्स था ना, ये तो सिक्स प्लस सिक्सटी माइनस फिफ्टी, इट इज 16 मीटर. ये डिस्प्लेसमेंट है. हमसे पूछा गया डिस्टेंस. जब भी कभी एसटी इक्वेशन दी हो, याद रखना ये बात मेरी, जब भी कभी एसटी इक्वेशन दी हुई हो तो चेक कर लेना कि कहीं पार्टिकल एक बार रुका तो नहीं है, कभी पार्टिकल रुका तो नहीं है पांच सेकंड से पहले. सबसे पहले ये चीज चेक करनी पड़ती है. और ऐसे एसटी इक्वेशन देने का मतलब यही होता है. और उनसे नहीं पूछेगा टी की वैल्यू पांच फाइव फुट करके आंसर बताओ, मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं आता. सेवन एट प्लस का क्वेश्चन बन गया, टी की वैल्यू फाइव फुट करता हूँ. क्या चेक करना है, जब भी तुमसे डिस्टेंस पूछा जाए सबसे पहले, जब जिस टाइम पर पूछा गया फाइव सेकंड पर, चेक करो कि रेस्ट पर कब आया था. ऐसे केस में पता होता क्या है, पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया, जीरो पर यहाँ पर है, वन पर यहाँ पहुंच गया, टू पर यहाँ पहुंच गया, थ्री पर ना वो रुक गया, थ्री पर, ये थ्री सेकंड है और यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा होता है ऐसे केस में, ठीक है ना. फिर फोर पर वो वापस यहाँ पहुंच गया और फाइव पर वो यहाँ पर है. तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ ये है, ये तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना सा है. और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है पहले जीरो से थ्री तक जाए वो काउंट कर लो कितना है, और थ्री से वापस फाइव पर आया वो काउंट कर लो कितना है ना. तो तुम्हें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, मोशन ब्रेक करना पड़ेगा. तो पहले इसको ब्रेक करो, किस किस के बीच में ब्रेक करना पड़ेगा. हम मानते हैं कि मोशन को ब्रेक करते हैं जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई. तो इसको यहां से वहां तक ब्रेक कर लो. पहले तो यहां से वहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो जब वो रुका था. रुका कब था पता करो, रुका कब था पता करो. तो हम कैसे पता करेंगे, हम पता करते हैं कि वेलोसिटी कब जीरो हुई, डीएस बाय डीटी, वेलोसिटी डीएस बाय डीटी. सिक्स का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट टर्म है, 12 टी का 12 माइनस 2 टी स्क्वायर का 40, ये वेलोसिटी है. 12 माइनस 40 इज वेलोसिटी. व्हेन इट बिकम जीरो तो उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो और तुम देखोगे टी बाय, कॉन्सिडेंटली देखो मैंने जो एग्जांपल ले रहा हूँ सही आया है, थ्री सेकंड पर जीरो होता है टी को सू थ्री. द वेलोसिटी इज जीरो एट टाइम टी गोस टू, टाइम टी गोस टू थ्री सेकंड. वैसे इसको आगे करने के भी दो तरीके हैं ना, इसको आगे करने के दो तरीके हैं. तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो तुम ना, इसको पोजिशन वोजिशन का चक्कर बाद में बताएंगे, अभी सिंपल का प्रॉब्लम देखते हैं. एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन कितना होगा, डीवी बाई डीटी. dv by dt कितना होगा, v तो v का एक्सप्रेशन ये है, v का एक्सप्रेशन ये है, 12 का फिर से डिफरेंशिएशन 0 आया, माइनस 40 का वो माइनस 4 आ गया, माइनस 4 मीटर पर सेकंड. मतलब मोशन रिटार्डेड है. मैं चाहूँ तो इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलोगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है फिर, इनिशियल वेलोसिटी बताओगे कितनी है यहाँ पर, तुम मुझे चेक करके. इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बताओगे कितनी है, जीरो. कैसे पता लगा ये बात जीरो है, कैसे पता लगी ये बात, 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी. मैंने कहा था इनिशियल वेलोसिटी को ऐसे याद रखो, वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी, मैंने ये बोला था. और यू को मैंने यही बताया था, यू क्या होता है, यू इज इनिशियल वेलोसिटी. तुमने कहा था इनिशियल वेलोसिटी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा था यू मत, ये मत याद रखो यू इनिशियल वेलोसिटी है, ये याद रखो द यू इज द वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो. वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में टी इक्वल टू जीरो पुट करो, द वेलोसिटी एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी इज 12 माइनस 40 एंड if you put t equals to 0 in this equation you will get v at 0, v at 0 matlab v not maan leta hu main usko jisko u bolte hain hum log, that is 12 meter per second. chalo ye to sari information thi, a aa gaya, v not aa gaya, iske aage tum bahut sari cheeze kar sakte ho uske sath, par main isko kaise karna chahunga. s yahan se start hua, yahan start hua, ye 0 time par hi aaye. S zero, S zero. S का expression क्या है? S है six plus twelve t minus two t square.
तो एस नॉट, एस नॉट मतलब जीरो टाइम पर वो कहाँ पर है, एस नॉट पर जीरो टाइम पर टी के लिए जीरो पुट कर देते हैं, सिक्स प्लस जीरो माइनस जीरो इट्स सिक्स, मतलब ये हमारा ओरिजिन है, वो जीरो टाइम पर कहाँ पर है, सिक्स पर है, वो यहाँ है, ये है एस नॉट जो यहाँ पर खड़ा हुआ है। एस थ्री में कहाँ पर है वो, एस थ्री, एस थ्री देखें कहाँ है, तीन सेकंड में कहाँ मिलेगा वो, रुका है ना तीन सेकंड के बाद, तो रुका है तीन सेकंड के बाद, वो रुक गया था तीन सेकंड के बाद रुका था, ट्वेल्व सिक्स प्लस ट्वेल्व इंटू थ्री माइनस टू इंटू थ्री स्क्वायर, इट इज सिक्स प्लस थर्टी सिक्स माइनस कितना हो गया, एटीन, एटीन प्लस सिक्स इज ट्वेंटी फोर, मतलब ये तुम्हारा सिक्स है, एस नॉट इक्वल्स टू सिक्स। तीन सेकंड जब वो रुका, रुका देखो डिस्प्लेसमेंट कितना आया था हमारा, टेन आया था क्या, वो यहाँ से चला, यहाँ से चला टाइम जीरो पर, वो यहाँ पर है, यहाँ से चला और वो इधर गया, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आया था, मतलब वेलोसिटी जिस साइड है उसके ऑपोजिट में एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होती गई, फाइनली यहाँ रुक गया, पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी जीरो हो गया, एक्सेलरेशन अभी भी पीछे ही रहेगा, और वापस आना स्टार्ट करता है एक्सेलरेशन की वजह से। बिल्कुल ऐसा एग्जांपल है, बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाती है, कम होती गई, कम होती गई, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, यहाँ 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 वेलोसिटी जीरो हो गई, उसके बाद क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट करती है रिवर्स डायरेक्शन, अब यहाँ भी यही होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी, पाँच सेकंड के बाद यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया भाई पाँच सेकंड के बाद, तो देखो यहाँ से चला यहाँ तक गया, सिक्स से चला ट्वेंटी फोर तक गया, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये है एटीन, एटीन तो वो पहले इधर चला गया, फिर वापस आया, वापस आया इतना, वापस यहाँ कितना आया, ट्वेंटी फोर से सिक्सटीन पर आया, वापस ट्वेंटी फोर से सिक्सटीन पर आया, तो वापस कितना आया एट, ये डिस्टेंस एट है तुम्हारा, डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस मतलब जाने का, जाना काउंट करें कितना, कितने मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले तो एटीन, तो सीधा चला गया, फिर वापस आया कितना, एट प्लस एट is 26, displacement कैसे लिखते हैं, तुमसे पूछा गया है ना, तुमसे पूछा गया कि पांच सेकंड का displacement बताओ, तो पांच सेकंड का displacement क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक, जो पहले starting point कहाँ था, initial position ये zero पर, वहाँ यहाँ से start हुआ और पांच सेकंड के बाद यहाँ पर, तो ये displacement है तुम्हारा initial final position के बीच का distance, ये तो six है और ये कितने हैं, ये 16 है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैं सीधा लिखता हूँ इसको, एस नॉट माइनस एस फाइव, इसका मोड लगा देते हैं जो भी आएगा, दैट इज कितना आया 10 मीटर, ये जो हमने कैलकुलेट किया था मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया शायद, ये क्या है एस फाइव क्या है भाई, एस फाइव क्या है, दिस इज अ पोजिशन, ये पोजिशन टाइम बोला हुआ उसने, पोजिशन की इक्वेशन है ये, पोजिशन ये पोजिशन एट एस फाइव, पोजिशन एट पोजिशन, इसको बोलते हैं पोजिशन, की पोजिशन क्या है, एज t equals to 5 second, ये position है, displacement हुआ 10 meter, distance हुआ 60 meter, 26 meter, clear हुआ ये, clear हुआ, तुम लोग एक चीज ऐसे भी सोच सकते हैं, बच्चे ऐसे सोचते हैं इसके बारे में कि यहाँ से चला, इसकी initial velocity थी कितनी, initial velocity कितनी थी इसकी, initial velocity आने, हालांकि मैंने calculate की थी, इनका use करके भी तुम calculate कर सकते हो, इनका use करोगे तो तुम बोलोगे कि ये इसकी initial velocity 12 meter per second है, time zero है, तीन सेकंड तक चलता रहा, यहाँ पहुंच गया तीन सेकंड, एक्सेलरेशन कितना है माइनस फोर मीटर पर सेकंड, तो तीन सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज ट्वेल्व इंटू थ्री
plus half. Acceleration is minus 4 t square. 36 minus 18 is 18. ये डिस्टेंस जाने का 18 हो गया. फिर कहते हैं यहाँ पहुंच गया तो वेलोसिटी जीरो हो गई. वेलोसिटी जीरो है, यहाँ से 5 सेकंड में यहाँ पहुंचा होगा, 5 सेकंड में यहाँ पहुंच गया. तो अब 2 सेकंड का डिस्टेंस और कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 3 से 5 के लिए अगर बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ये है फॉर टाइम t = 0 से लेके t = 3 के लिए. अब 3 से 5 की बात करनी है, t = 3 से लेकर के t = 5 के लिए. s = ut + half t square फिर से लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो. तो 3 से 5 तक की बात करें, 3 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी? 0 है, 0 है. s is equal to 0 plus half, a is minus 4. अब 3 सेकंड से लेके 5 सेकंड का टाइम कितना हुआ? 2 सेकंड. तो 2 स्क्वायर कर दो. s is 4 minus 4 minus 8. minus 8 का मतलब क्या है? इन रिवर्स डायरेक्शन, मतलब वापस आया वो, इसे माइनस 8 दिखाया उसने इन रिवर्स डायरेक्शन. अब अगर तुम्हें डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो माइनस प्लस कुछ होता नहीं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन बताता है नेगेटिव तो नेगेटिव, और डिस्टेंस में डायरेक्शन होती नहीं. तो डिस्टेंस कितना हो गया इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो, 18 प्लस 8 26. डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 18 विद साइन पुट करेंगे माइनस 8 10. तो डिस्टेंस हमारा 26 आएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 आएगा. इस तरह से भी कर देते हैं, है ना. चलिए और बताइए, एक और पूछते हैं. सर क्वेश्चन 13, चेक पॉइंट क्या है किसी? 3.4. हाँ जी बताइए क्या स्टेटमेंट. अ बॉडी ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्रॉसेस टू पॉइंट ए एंड बी विद वेलोसिटीज 20 मीटर पर सेकंड एंड 30 मीटर पर सेकंड. हाँ जी. द स्पीड ऑफ बॉडी एट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज. यहाँ वेलोसिटी 20 एंड 30 है. यस. यहाँ की स्पीड बतानी है मिड पॉइंट. यस सर. तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट जो है s है, ठीक है ना. तो ये कितना हुआ? ये s by 2 हो गया, मिड पॉइंट है ना ये. तो ये a है, ये b है और ये c है. मेरे को v c चाहिए, वेलोसिटी एट c. ये भी s by 2 है. तो पहले इस फर्स्ट सेगमेंट में वेलोसिटी निकाल लेते हैं कितनी. फर्स्ट सेगमेंट में यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ की वेलोसिटी तुम्हें पता है 20 है. यहाँ की वेलोसिटी vc तुम्हें कैलकुलेट करनी है. ये डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने s by 2 माना हुआ, ये भी s by 2 कॉमन है, सेम है, तो हम लोग इसका फायदा उठा लेंगे. u तुम्हें पता है, v तुमने मान लिया, s by 2 कॉमन हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. क्या लिख सकते हैं, कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए? v2 माइनस u2 2s. कहाँ से कहाँ तक के लिए? a से c तक के लिए, a से c तक के लिए. तो a इस पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी होगी vc2 माइनस, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी? 20 स्क्वायर. टू एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन पता नहीं है कितना है, पर ए बी मान लेते हैं. एस कितना है डिस्प्लेसमेंट? एस बाई टू. यहां से आ गया वी सी स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू ए एस. ए एस ठीक है. सी से बी के लिए फिर से लगा दो. सी से बी के लिए यहाँ की वेलोसिटी वी सी है, यहाँ की वेलोसिटी 30 है. इस सी से बी के लिए ये इनिशियल है, ये फाइनल है. तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s फिर से लगाएंगे. फाइनल वेलोसिटी 30 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी vc स्क्वायर 2a एक्सेलरेशन है s by 2. 900 माइनस vc स्क्वायर इज इक्वल टू as. ये भी as के इक्वल है, ये भी as के इक्वल है. तो vc स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 900 माइनस vc स्क्वायर. vc स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो ये हो गया 2vc स्क्वायर इज 1300. vc स्क्वायर इज 650. VC is root of 650. Root of 650 मतलब 25.6 कुछ ऐसे होगा. 25.6, 25.5, 25.6 ऐसे कुछ आंसर आएगा. Yes. ठीक है. तो आज की क्लास ओवर करते हैं. नेक्स्ट क्लास है अब मेरी. कल अब तुम्हें होमवर्क क्या करोगे? आज क्या करोगे बताओ मुझे, आज क्या करोगे? और क्वेश्चन सेंड कर दूं क्या? ऐसा करो जिसने जिसने कंप्लीट नहीं किया अब तक, बहुत सारे बच्चों का होमवर्क पेंडिंग होगा, फिर बस आया नहीं अब तक. जिसका हो गया
वैश्य वर्मा ट्राई कर लो, एचसी वर्मा ट्राई कर लो अप टू 31, अप टू 30, मतलब 30 क्वेश्चंस ट्राई कर लो, कुछ नहीं कर भी लिए होंगे, उसमें ग्राफ्स भी थे, आज ग्राफ भी ट्राई करना अप टू 30 ट्राई करना, जिसके नहीं वो अपना पेंडिंग होमवर्क कंप्लीट कर लो, ठीक है। कल हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम या रिलेटिव मोशन, दोनों में से एक। रिलेटिव मोशन 1D 2D का मैं कई बार कंबाइन करके पढ़ा देता हूँ एक साथ, वहाँ ज़्यादा बेटर है। तो कल हम रिवर बोट प्रॉब्लम और रेन मैन प्रॉब्लम, है ना, दो तरह की प्रॉब्लम होती है और क्वेश्चन आता भी है, रेन मैन एंड रिवर बोट, उसको सीखने, उसको सॉल्व करने की टेक्निक होती है, कल हम सारी बात करेंगे। सर कल दोनों एक ही दिन में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो प्रोजेक्टाइल रहेगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। कल सेम टाइम पर क्लास है, लीव कर दो मीटिंग, वैसे कल करते हैं।